एक आपसे एक और अर्ज है, जैसे कि आप शिहाब चूतर नाम सुना होगा आपने, जो हाजी जो हमारे हज के लिए पैदल जा रहे केरला से मक्का मदीना जा रहे हैं, मैं उनके लिए स्पेशली यहाँ दुआ के लिए आए थे यहाँ पे, अगर आप उनके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हम दुआ करते हैं इस महीने के सदके, इस रबी नूर के सदके, बाबा गुलाम शाह बादशाह की इबादत के सदके, अल्लाह ताला उनके सफर हज को आसान करे। आमीन। और जिस मकसद के लिए हाजी साहब के लिए आए हैं, अल्लाह ताला उसको कामयाबी दे। आमीन। आमीन। सफर आसान करे। आमीन। और सबको मदीने की हाजिरी नसीब हो। आमीन। आमीन। और ये जो सामने झाड़ है संतरे का या मौसम के पेड़ के बारे में, सदा फल है, ये सदा फल है। अच्छा, ये जिसको औलाद नहीं होती, अच्छा जिसको औलाद नहीं होती उसको ढाई पत्ते दिए जाते हैं। ढाई पत्ते, हाँ औलाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। तो माशाल्लाह जो सामने पेड़ नज़र आ रहा है इसका सदाफल नाम है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको हम देने वाले इमाम साहब से, जो ख़ास बात करने वाले वीडियो में, जो मस्जिद के इमाम है यहाँ से, उन्हीं से बात करने वाले, तो बने रहे हमारे साथ, पूरी मुकम्मल जानकारी आपको हम देने वाले। तो पहला पार्ट भी हमने अपलोड किए, यहाँ वीडियो को एंड किए थे हमने, दरगाह शरीफ की जो ज़ियारत भी कराने वाले माशाल्लाह, दरगाह शरीफ यहाँ कब्रिस्तान है छोटा सा, तो इसमें पूरी जानकारी आपको हम देने वाले वीडियो में माशाल्लाह, जो हमारे दरबार की भी पूरी जानकारी आपको देने वाले, यहाँ लंगर खाना है, लंगर खाने की भी इसी वीडियो में जानकारी देने वाले, पूरी मुकम्मल जानकारी इस वीडियो में आपको हम देने वाले। जो इसने जो हमने पहला पार्ट अपलोड करे वो पहला पार्ट जिसने नहीं देखा वो भी पढ़ ली, और सुबह मतलब क्या नाम फजर की कज़ा भी पढ़ ली, और उसके बाद हम शाह दरगाह के सामने हैं बिल्कुल, और ये नायब इमाम है यहाँ के। और सबसे पहले इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप सब, खैरियत से? माशाल्लाह का करम। तो माशाल्लाह इसी के बारे में, दरगाह शरीफ के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी आपसे, जैसे हम सुनते हैं बुजुर्गों से कि हजरत बाबा गुलाम शाह बादशाह ये पाकिस्तान के रहने वाले, पाकिस्तान के रहने वाले हैं बाबा, पाकिस्तान के, पाकिस्तान के रहने वाले, पाकिस्तान के जी, पाकिस्तान कौन सी जगह? रावलपिंडी के, रावलपिंडी। तो उसके बाद तो उधर से ये अपने मुर्शिद की इजाज़त से ये इधर आए थे। अच्छा, शाहदरा शरीफ में। हाँ जी। हाँ, तो जब शाहदरा शरीफ इधर आए तो इधर बस्ती नहीं थी, सब जंगली जंगल, जंगली जंगल। अच्छा, ये जो भी पूरी इस टाइम हरियाली दिख रही है, जितने घर दिख रहे हैं यहाँ पे, उस टाइम कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, जंगल था, जंगल था जी। तो उसके बाद अल्लाह की करमनवाजी से, मुर्शिद की करमनवाजी से जब ये आए तो उन्हीं की वजह से ये लोग आए, लोग बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, फिर जो भी ये दुनिया का निज़ाम है, अच्छा उनकी करामत की वजह से। और जो इनकी बैठक थी मतलब जहाँ, जैसे अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, जोरीपुंछ डिस्ट्रिक्ट में इनकी बैठक जो है, आपको मालूम नहीं बोलते हैं, इनकी बैठक है पुंछ में ही है बैठक इनकी है। अच्छा, और इनका आगे चिला है, ये चिला है, जैसे बोलते हैं 40 साल इन्होंने इबादत की है, 40 साल यहाँ पे, 46 साल 46 ईयर यहाँ पे इन्होंने इबादत की है, इबादत। की मस्जिद है, छोटी मस्जिद है, वो बड़ी मस्जिद है जी जी जी। यहाँ लेडीज के लिए अलग मस्जिद है, हाँ लेडीज के लिए, और मर्द के लिए अलग अलग अलग। तो माशाल्लाह यहाँ मैंने जो बहुत ही अच्छी तरीके से ज़ियारत होती है, तो एक लेडीज का जाना मना है यहाँ जी, जी जी, अंदर जाना मना है। बहुत सी दरगाह में हमने देखे कि लेडीज भी अंदर जाती है जी जी। तो माशाल्लाह यहाँ मना है, यहाँ मना है के लिए अंदर जाना मना है। और ये जो सामने झाड़ है संतरे का या मौसम के पेड़ के बारे में, सदा फल है, ये सदा फल है। अच्छा, ये जिसको औलाद नहीं होती, अच्छा जिसको औलाद नहीं होती उसको ढाई पत्ते दिए जाते हैं, ढाई पत्ते, हाँ औलाद। अच्छा, हाँ तो उसके बाद उसकी तमन्ना जो है पूरी हो जाती है, औलाद हो जाती है। अच्छा, उसका कोई फल तोड़ता नहीं क्या? फल तोड़ता नहीं, ये खुद जिसके मतलब वही बोला ना कि जिसकी किस्मत में होता है फल उसी के मतलब झोली में गिरता है। अच्छा, जिसे मुकद्दर में रहा उसी को मिलता है फल जो। अच्छा, इसको मौसम भी बोलते हैं या संतरा है? ये सदा फल बोलते हैं, सदा फल, सदा बहार, सदा बहार रहता है, इसका मतलब हरा भरा रहता है। माशाल्लाह, ये यहाँ पे कितने पेड़ है संतरे के जो है? दो चार पेड़ होंगे, ये कुछ चिले के सामने है जी। अच्छा, जी उधर, लेकिन मेन जो पेड़ है ये मेन पेड़ यही है, मेन पेड़ यही है, मेन पेड़ यही है। बाबा ने कहा था कि तू हमेशा के लिए फलती रहेगी। अच्छा, तो हमारी एक आपसे एक और अर्ज है, जैसे कि आप शिहाब चूतर नाम सुना होगा आपने, जो हाजी के लिए पैदल जा रहे केरला से मक्का मदीना जा रहे हैं, मैं उनके लिए स्पेशली यहाँ पे आया हूँ, कल ही आया हूँ, तो अभी तक मैं घर भी नहीं पहुँचा हूँ, तो उनके सफर में काफी रुकावट आ रही है, अभी उनके वीजे में इश्यू चल रहे हैं कुछ, पिछले वो 20 से 25 दिन एक ही जगह पे ठहरे हुए हैं। आपको जैसे पता है कि उनने 2023 का जो हज है वो मक्का मदीना में करना है, और अभी तक उनने 3200 किलोमीटर कवर किया है जी जी, तो जी, जी उनके लिए थोड़ी हम दुआ के लिए आए थे यहाँ पे, अगर तो आप उनके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हम दुआ करते हैं इस महीने के सदके, इस रबी नूर के सदके, बाबा गुलाम शाह बादशाह की इबादत के सदके, अल्लाह ताला उनके सफर हज को
आसान करे आमीन। और उनके लिए सब काम उनके लिए आसान हो जाए आमीन। जिस मकाम के लिए वो जो खराब नाम के जो जा रहे हैं तो उनको फतेह नुसरत मिले आमीन। मदीने पाक के लिए वो सफर में जा रहे हैं वो खुद मदीने वाले की नजर करम हो उनपे हमारे बाबा गुलाम शाह बादशाह की नजर करम का सदका उनके लिए आमीन। सब काम फतेह कामयाबी मिले। और हम तो चलो आज यहाँ से चले जाएंगे लेकिन एक और अर्ज है, लेकिन जब भी आप यहाँ पे दुआ करोगे भाई के लिए उसमें जिक्र जरूर देना दुआ उनके सफर के लिए वीजे के लिए। आमीन आमीन। अल्लाह आपको कामयाबी दे। बाबा गुलाम शाह बादशाह के दरबार, ये शहनशाह का दरबार है, यहाँ से कोई भी खाली नहीं आता, यहाँ सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हाजिरी देते हैं, यहाँ कोई जात पात का सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं। तो यहाँ भी माशाल्लाह सभी धर्म के लोग यहाँ आते हैं, सभी धर्म के लोग आते हैं। अच्छा कहाँ कहाँ से लोग खाली जोलियाँ लेके आते हैं, भर के जाते हैं। अच्छा कहाँ कहाँ से आते हैं? ये नहीं जनाब, ये हर जगह से हर जगह से आते हैं, जैसे हिंदुस्तान के कोने कोने से हिंदुस्तान के, जिसको मेरे शहनशाह के बुलारा होता है, जिसको बुलावा होता है वही आता है, जिसके किस्मत में आना होता है यहाँ पे जगह वही आ जाता है। तो इमाम साहब बहुत बहुत किसी चीज की कमी नहीं है जी, यहाँ पे लंगर भी है ना इमाम साहब? लंगर भी है, सब कुछ है, कमरे हैं। अच्छा सब अगर जो बाहर से आ रहा है, जैसे कि अगर पंजाब से आ रहा है या दिल्ली से आ रहा है तो उसके अगर वो रुकना चाहे यहाँ पे वो रुक सकता है। वो अच्छा उसको कोई रेंट दे के रुक सकता है या मतलब किराया भी दे सकता है कमरे के लिए, 500 रुपए का कमरा भी मिलता है। अच्छा। बाकी ऐसे अगर खुला रहे तो खुला भी रह सकता है, खाना सबके लिए, चाय सबके लिए, सबके लिए लंगर है, किसी अच्छा। चीज की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो माशाल्लाह आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा है। तो माशाल्लाह लंगर की है, लंगर के भी हम वीडियो बताएंगे, बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। के लिए शफा है सब बीमारी के लिए, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। बिल्कुल अल्लाह के लिए सलामत रहना। जी जी पैदल जा रहे हैं उनके लिए है। बिल्कुल उनके लिए, उनका वीजा में प्रॉब्लम आ रही है, 20 से 25 दिन हो गए, उनके लिए प्लीज दुआ करना, उनके सफर में आसानी हो। आमीन आमीन। बच्चे लोग आपको भी दुआ करनी है भाई के लिए, शहाब भाई के लिए करोगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दरगाह शरीफ का जो ऊपर का हिस्सा है यही है बाबा गुलाम शाह बादशाह की दरगाह शहादत शरीफ। और अभी मैंने और आरिफ भाई ने मिल के सबके लिए दुआ करवाई, शहाब भाई के लिए हाथ से दुआ करवाई हमने, और इस दरगाह की पूरी जानकारी थी वो सब, मतलब पूरी ए टू जेड जानकारी हमने ले ली है। और उसके बाद यहाँ पे चार संतरे के पेड़ हैं, चार पेड़ यहाँ, जो ये दूसरा पेड़ है, ये हमारा कब्रिस्तान है, तो बाकी वो नीचे तो माशाल्लाह। यहाँ जो ये तीसरा पेड़ है जो नज़र आ रहा है आपको संतरे का, जो साल भर माशाल्लाह जो हरा भरा रहता है और उसको जो फल लगते रहते हैं, जो सामने फल भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ उर्दू में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, ये चार पेड़ है और बकरी कश्मीरी। ये जो संतरे दिख रहे हैं ना, ये रहते हैं साल भर, ये संतरा इस पे रहता है। Thank you.
माशाल्लाह पहला पार्ट भी अपलोड करे हमने, जो दरगाह पे जाने का रूट बताया, किस तरीके का रूट है और कैसा रास्ता है वो भी बताया आपको हमने। और ये दरगाह का जो लंगर है माशाल्लाह, तो यहाँ लंगर है तो इसी में आपको हम जानकारी देते रहेंगे। तो ये लास्ट वीडियो है दरगाह शरीफ का, बहुत ही जो माशाल्लाह अरबी में जो वहाँ शेर भी लिखे हुआ था आपने देखे, तो इसी में आपको जो सामने नज़र आ रहा है इस तरफ लंगर है, देखिए सामने दिखाई दे रहा है। तो माशाल्लाह हमारे अरबाज भाई और जो एक बच्चा है अंदर गया, यहाँ जानकारी भी हासिल कर सकते हैं आप। तो यही वीडियो में हम बहुत ख़ास वीडियो बताते हैं आपके लिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। जो कश्मीर के अंदर, जो जम्मू के अंदर बहुत ही प्यारी दरगाह शरीफ है, उसी का वीडियो आपको हमने अपलोड करे। ये यहाँ अरबाज भाई जो लंगर खा रहे माशाल्लाह, देखिए। तो इसमें वीडियो में कैसा लगा? अच्छा, कुछ दरगाह के बारे में हमें बताओ, कब से आ रहे हो, क्या क्या? आज पहली बार आए हो लाइफ में? लाइफ में नहीं, बचपन में आता रहा हूँ लेकिन। अच्छा अच्छा, तो कैसा लगा? मतलब कि नाम सुना होगा आपने अभी, क्योंकि अगर बचपन में आए तो उसके बाद तो फिर नाम ही सुना होगा दरगाह के बारे में। अच्छा, तो गाइज आज के व्लॉग में इतना ही है। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पर क्या करना है? क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़। बाय बाय करो यार, सारे यार क्या कर रहे हो।